नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अखिलेश कुमार सर, जो कि पौध संरक्षण वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में। आज हम चर्चा करेंगे सरसों की फसल में समेकित कीट प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि सरसों में बहुत सारे कीट माहो है, आरा मक्खी है, ये लगते हैं, तो इनका समेकित कीट प्रबंधन में क्या क्या कर सकते हैं सर? सरसों में विभिन्न प्रकार के जो है कीट लगते हैं और जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। नर्सरी अवस्था मतलब से ले के और फूल और फल लगने तक के जो है बहुत सारे कीट लगते हैं, तो इनके समय की कीट प्रबंधन के लिए हम ध्यान दें कि हम गर्मी में गहरी जुताई करें, फसल चक्र अपनाएं और बीज का उपचार करें, साथ ही साथ नीम का तेल या नीम के गिरी का सत जो है 5% का जो है छिड़काव करें। इसके बाद कुछ इसमें रातिचर कीट लगते हैं तो उसके लिए जो है लाइट ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्रकाश प्रपंच कहते हैं। आजकल क्या है, 9 वाट का LED बल्ब जो है शाम को 7 से लेकर 9 के बीच में अगर हम उसको जलाएँ और उसके नीचे एक तसला रख के उसमें कुछ जो है कीटनाशक अगर डाल के रखें तो उससे बहुत सारे कीट जो है गिर के जो है मर जाते हैं, तो ये भी एक विधा है कंट्रोल करने की। दूसरे इसमें माहो वगैरह जैसे है या लीफ माइनर जिसको हम लोग कहते हैं पर्ण सुरंगक कीट जो है, तो इनको जो है हम एलो ट्रैप जो है जो पीली जो है चिपचिपी पदार्थ की जो है पट्टी होती है, इसका प्रयोग हम जो है आठ की संख्या में 1 एकड़ में कर सकते हैं, का प्रयोग करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे शुरू की अवस्था में जैसे किसान भाई हमने बताया कि मेड़ के खेतों के मेड़ पर अगर जाते हैं तो बाहरी शुरुआती दौर में बाहरी हिस्से में इसका प्रकोप शुरुआत होती है, तो उस समय आप हाथ के द्वारा जो है उसको सूट क्लिपिंग जिसको कहते हैं उसकी कटाई छटाई करके जो है उसको वहाँ से हटा के आप कहीं किसी गड्ढे में दबा दें या उसको जला दें जो है नष्ट कर दें, तो इससे कीटों का जो है फैलाव नहीं होता है। दूसरे कुछ इसमें ये इल्लियाँ वगैरह भी जो है लगती हैं सरसों में, कहीं कहीं इसका प्रकोप देखा गया है, तो उस अवस्था में हम जो है जैव कीटनाशी जो है जिसको जीवाण कीटनाशी कहते हैं BT का प्रयोग जो है 1000 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर कुछ जो है और भी जो रही वगैरह इस तरह दिखाई देती है तो उसमें हम जो है NPP वगैरह का भी प्रयोग करके हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हमारे परभक्षी कीट हैं जो माहों को काट के मतलब उनको खा के जो है नष्ट करते हैं, उसमें एक आता है लेस बिंग इंसेक्ट उसको कहते हैं, या लेडी बर्ड बिटिल आता है उसका भी जो है उसको हम बाहर से प्रयोग करके जो है इसका प्रबंधन कर सकते हैं जैविक विधि द्वारा जो है। तो इस प्रकार हम जो है समेकित कीट प्रबंधन करके जो है हम अपने सरसों की उपज को जो है बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।